अब वापस बिहार लौट रहे हैं मनीष कश्यप। ये सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं कि कल मदुरै के अदालत में मनीष कश्यप को पेश किया गया और पेश करने के बाद तमिलनाडु पुलिस अदालत से 7 दिनों के रिमांड की मांग कर रही थी। वही दूसरी तरफ अदालत ने यह बड़ा फैसला लेते हुए मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस के रिमांड पे तो नहीं भेजा, लेकिन मनीष कश्यप को मदुरै से यानी कि तमिलनाडु के जेल से निकाल करके वापस बिहार भेजने का सबसे बड़ा निर्णय सुना दिया। और जैसे यह खबर हमें पता लगा, लोगों को पता लगा, उसके बाद लोगों के चेहरा पे थोड़ी सी मुस्कान जरूर थी। और मनीष कश्यप को जैसे यह खबर मिली, मनीष कश्यप ने अदालत के जैसे इन बातों को सुना कि मुझे अब तमिलनाडु से वापस बिहार भेजा जा रहा है, तो जरा सोचिए सन ऑफ बिहार को उस समय कितनी खुशी मिली होगी जिसको एक बार फिर से बिहार भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है और उसे सबसे पहले बिहार भेजने के लिए अदालत ने यह बड़ा फैसला सुना दिया। कल मनीष कश्यप के लिए एक नहीं दो दो अदालत में सुनवाई हुई। एक तो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई की गई और दूसरी तरफ जहां पे मदुरै सेंट्रल जेल में मनीष कश्यप बंद है, वहीं मदुरै के अदालत में भी मनीष कश्यप को पेश करके कोर्ट ने सुनवाई की प्रक्रिया शुरू की। तो जैसे तमिलनाडु पुलिस का यह कहना था कि मुझे मनीष कश्यप से पूछताछ करने के लिए 1 सप्ताह का रिमांड चाहिए, वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप के वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये मांग कर रहे थे। कल वहां भी सुनवाई हुआ कि मनीष कश्यप के ऊपर अलग अलग राज्यों या जिलों में जितने भी सारे केसेस हैं, सारे केस को पटना के हाई कोर्ट में शिफ्ट किया जाए, वहां पर ट्रांसफर किया जाए ताकि मनीष कश्यप के हर एक केस की सुनवाई ससमय हो पाए और ससमय मनीष कश्यप को अदालत के सामने पेश किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ मदुरै अदालत ने यह बड़ा निर्णय लेते हुए मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस के रिमांड पे नहीं भेजा और अदालत ने साफ तौर पे ये बातें स्पष्ट इशारों में कर दिया कि मनीष कश्यप इतना बड़ा कोई घोर अपराध नहीं किया है जिसके लिए उसे तमिलनाडु के जेल में बंद करने की जरूरत है। मनीष कश्यप को वापस बिहार भेजने का तैयारी किया जाए और अदालत ने यह बड़ा फैसला करते जैसे ने जज साहब ने उस पर अपना मोहर लगा दिया, उसके बाद मनीष कश्यप के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट जरूर आ गई और उम्मीद है कि यह खबर सुन करके मनीष भाई के जितने भी समर्थक होंगे उनके चेहरे पर भी मुस्कान जरूर आ गई होगी। कहे कि एगो सन ऑफ बिहार जो तमिलनाडु के जेल में बंद थे और तमिलनाडु पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही थी, उस सन ऑफ बिहार को वापस बिहार भेजने का निर्णय मदुरै की अदालत ने ले लिया है। हालांकि मनीष कश्यप अब बिहार कब आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं या परसों आ रहे हैं, इस बारे में कोई बड़ी जानकारी अभी तक हमें हाथ नहीं लगी है। लेकिन कल अदालत ने जैसे फैसला सुनाया, जैसे अदालत ने इस पे अपना मोहर लगा दिया, तो हो सकता है कि मनीष कश्यप को आज कल या परसों यानी कि 2-3 दिनों के अंदर में मदुरै के सेंट्रल जेल से निकाल करके मनीष कश्यप को वापस बिहार के उसी हवाई अड्डा पे लाया जाएगा जहां से उड़ा करके मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस लेकर के अपने साथ गई थी। लेकिन देखना यह होगा कि जैसे मनीष कश्यप बिहार पहुंचेंगे उसके बाद तमाम इनके समर्थक जो हैं साथ से मनीष कश्यप को जो लोग मानने वाले हैं वो लोग मनीष कश्यप का स्वागत किस तरीके से करते हैं, मनीष कश्यप का किस तरीके से अभिनंदन करते हैं। कहे कि सन ऑफ बिहार को वापस बिहार लाने का फैसला मदुरै की अदालत ने लिया है और एक बार फिर से अदालत ने यह फैसला बता करके, यह फैसला सुना करके यह साबित कर दिया है कि देश में सर्वपल्ली सर्वोच्च जो है सबसे अधिक मान सम्मान वाला जो है वो न्यायालय ही होता है और न्यायालय ने निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की सुनवाई करके मनीष कश्यप को बिहार भेजने का फैसला ले लिया है। अब यह देखना होगा कि मनीष कश्यप कब 1-2-3 दिन कितने दिनों में वापस फिर बिहार लौट रहे हैं। जैसे मनीष कश्यप का बिहार आने की सूचना हमें मिलती है उसके बाद हर एक पल का अपडेट हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम यही बता रहे थे कि कल मनीष कश्यप के लिए सुनवाई किया गया मदुरै के अदालत में और अदालत ने यह बड़ा निर्णय लेते हुए मनीष कश्यप को वापस बिहार भेजने का फैसला किया है, सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा था। बाकी इस पूरी वीडियो को देख के आपका विचार क्या कहता कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।